तो क्वेश्चन है टू पॉइंट चार्जेस, तो ये दो पॉइंट चार्जेस इसमें पड़े हुए हैं, 5 × 10⁻¹⁹, 20 × 10⁻¹⁹, और आपको ये बताना है इनके बीच में डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर नेट ई जीरो है। तो जहां पर ई निकालना है, मान लो वो डिस्टेंस एक्स है जहां पर ई जीरो है, तो अगर ये एक्स है तो ये कितना है, 2 − x है, तो जहां पे मुझे ई निकालना है वहां पर चार्ज का एज्यूम करेंगे प्लस वन, तो मुझे नेट ई जीरो चाहिए, पर ई यहां लगाएगा कौन, आस पड़ोस के चार्जेस, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, तो ई की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε₀ 5 × 10⁻¹⁹ / x², और ये चार्ज प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल, तो ई की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε₀ 20 × 10⁻¹⁹ कितना, 2 − x² एक ई राइट एक ई लेफ्ट, नेट ई क्या करना है, जीरो, इन दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेट करके x के लिए सॉल्व कर लें, x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 मीटर फ्रॉम जो भी चार्ज है। तो मेथड सबको क्लियर है कि कैसे करना है इसमें, ठीक, तो कुछ नहीं करना, जहां ई निकालना है वहां प्लस वन कर देना है, राइट, क्लियर है यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है ये क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन, कितने इलेक्ट्रॉन कॉइन में से मैं बाहर निकाल लूं। पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो चार्ज इस कॉइन पे पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिल्कुल सही, तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो वो कह रहे कॉइन को हवा में स्टेशनरी रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कॉइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर कॉइन हवा में स्टेशनरी है q = चार्ज क्या होगा, q = ne, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिए, तो इस पे n इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, q = ne, तो पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऊपर और फोर्स भी का है ऊपर, तो फोर्स ऊपर है कितनी, QE, कॉइन रेस्ट पे कब रहेगा, जब q = mg, और q की जगह क्या पुट करेंगे, ne, सॉल्व करें n निकाल लें, सॉल्व करें और n निकाल लें, तो इसमें mg जो ऊपर की फोर्स है QE मस्ट बी इक्वल टू कितना mg, Q क्या है, q = ne, क्वांटाइजेशन इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय e × e, अब आपको मास पता है, मास कितना गिवन है इसका 1.6 ग्राम, तो 1.6 × 10⁻³ kg × 9.8 या 10 कर लेना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 × 10⁻¹⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है 10⁻¹, सॉल्व कर लेना आंसर आएगा। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ताकि ये कॉइन रेस्ट पे रहे, कैसे सोचना है इसमें, ठीक है यहाँ तक, ठीक, ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं है पर मिलता जुलता ही है, ठीक, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू निकालनी है, कहां पर, पी पे, फिर क्यू पे, फिर सी पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम पी की बात करते हैं तो मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ मैं। तो ये मेरा पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट पे अगर आपके पास ये एक दो चार्जेस हैं 10^-8 और 10^-8 और ये +1 है, तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर ई निकालना है। जहाँ ई निकालना है वहाँ चार्ज +1 है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस +1 को क्या करेगा, रिपेल। तो ई की वैल्यू क्या लगाएगा, 1/4πε₀ 10^-8 डिवाइडेड बाई 0.05 का स्क्वायर, और ये नेगेटिव इस +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ई कहाँ लगाएगा, राइट लगाएगा। वैल्यू बोलो 1/4πε₀, मैग्नीट्यूड, माइनस साइन मत पुट करना, मैग्नीट्यूड ओनली, ये लो मैग्नीट्यूड। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक? तो ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, दोनों वेक्टर राइट की तरफ हैं, दोनों को ऐड कर दें, ऐड करके आंसर बताएं क्या आ रहा है। मेरे ख्याल से इतना आना चाहिए, 72,000 न्यूटन पर कूलम, चेक करना। आंसर आ रहा है एक। नेक्स्ट क्या है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको अब ई निकालना है क्यू पॉइंट पे। अब आपको इस क्यू पॉइंट पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, जहां ई निकालना है वहां चार्ज +1 लिख लें, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, ई निकाल लें। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ई निकाल लें। दोनों ई ऑपोजिट हैं, बड़े में से छोटा ई, माइनस डन। दूसरा तरीका बोलो, शॉर्टकट क्या, एक्सियल, एक्सियल, क्योंकि ये एक डायपोल है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो ये जो डिस्टेंस है ये a है और ये डिस्टेंस भी a ही है, 2a टोटल। तो आपको डिस्टेंसेस कहाँ से लेने होते हैं, सेंटर ऑफ डायपोल। तो ये इसका एक्सिस है, तो इसके एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या है, ये आर है। तो आर डिस्टेंस क्या होगा, 0.05 इंटू 2 मीटर। तो आर आ गया, ए आ गया, क्यू आ गया, क्योंकि एक्सियल लाइन है। आप सिंपल एक्सियल का फॉर्मूला लगा लें शॉर्ट डायपोल का, 1/4πε₀ 2π/r³, 9×10⁻⁹ इंटू 2 इंटू पी की जगह क्या पुट करेंगे, q into 2a डिवाइडेड बाई r का क्यूब। आपको चार्ज पता है, a पता है और आपको r भी पता है, सॉल्व करके आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है कि क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो अब ये एक्सियल लगा देना, बात खत्म, ठीक है। उसी तरीके से इसका जो आखिरी पार्ट है उसके अंदर आपको फिर से ये डायपोली है और ये अब आपको आर, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। तो कौन सी लाइन है, ई इक्वेटोरियल। तो ई इक्वेटोरियल में आर की वैल्यू क्या होगी, अगर ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस 0.1 है, तो अंडर रूट ऑफ 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, तो आर आ गया। तो आप इसमें ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा लेना। ई इक्वेटोरियल के फॉर्मूले में, ई इक्वेटोरियल में 1/4πε₀ p/r³ भी लगा लेना, तो 1 बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी की जगह q इंटू 2a डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो a आपको पता है, r आपको पता है, फिर यहाँ से वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन भाई लंबा है, बट मेथड समझ में आ रहा है कि क्या इसमें पुट करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो e इक्वेटोरियल हो गया, e एक्सियल हो गया, तो एक ही बात है इसमें। ठीक, नेक्स्ट जो करना है उसमें ये टॉपिक है।